नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। वक्त हो चला है देश प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली नगर निगम चुनावों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में अविनाश पांडे, डॉक्टर के जय कुमार और काजी मोहम्मद निजामुद्दीन शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में भारत जोड़ो यात्रा के बाद गांधी चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम से पहले पूर्व मुख्यमंत्री दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह की जयंती पर माल्यार्पण भी किया गया। सुल्तानपुर में पहुंची सांसद मेनका गांधी ने गुरुद्वारे में माथा टेका। इस दौरान मेनका गांधी ने कहा कि उन्हें गर्व है कि वो सिख समाज की बेटी है। सुल्तानपुर में सांसद मेनका संजय गांधी ने शहर के अंदर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगवा दी है। सांसद का कहना है कि इन बड़े और भारी वाहनों के चलते आम लोगों को समस्याएं होती हैं। सुल्तानपुर में अपने दौरे के दूसरे दिन सांसद मेनका संजय गांधी ने शास्त्री नगर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान सांसद ने कई लोगों की समस्याओं को सुनते हुए जल्द ही निपटारे का आश्वासन भी दिया। सुल्तानपुर में पर्यावरण पार्क के पास अजगर दिखने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने लोगों को वहां से हटाते हुए वन विभाग को इसकी जानकारी दी। अमेठी के जिला अस्पताल से एक फोटो वायरल हो रही है। इस फोटो में मरीज और तीमारदार जमीन पर बैठे नजर आ रहे हैं। अमेठी में एसपी लामारन जी ने चालीस में लगने वाले सूरज कुंड मेले का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने दुकानदारों से बात करते हुए माहौल का जायजा भी लिया। अमेठी में जिला सड़क सुरक्षा विद्यालय यान एवं परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने की। रायबरेली में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में डुबकियां लगाई। इस दौरान सभी श्रद्धालु काफी खुश नजर आए। रायबरेली में गंगा आरती के साथ कार्तिक मेले का उद्घाटन हुआ। प्रशासन ने इस दौरान गंगा स्नान के लिए 7 से 8 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया है। रामपुर में 10 नवंबर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक की जाएगी। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धर्मेंद्र देव गुप्ता ने सभी कार्यकर्ताओं से समय पर पहुंचने का अनुरोध किया है। अयोध्या में साकेत महाविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर पूर्व छात्र संघ और वर्तमान छात्र संघ ने बैठक की। इस दौरान संघ के नेताओं ने फैसला लिया कि छात्र नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल साकेत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से जल्द ही मुलाकात करेगा। अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं। आपको बता दें, चंद्र ग्रहण के चलते इस बार ये त्योहार 2 दिनों तक मनाया जाएगा। अयोध्या में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान तिकोनिया पार्क में धरना देते हुए कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। बरेली में किसान खाद न मिलने से परेशान है। किसानों का कहना है कि बेमौसम बारिश ने पहले ही उनकी फसल को बर्बाद कर दिया है और अब उन्हें खेती के लिए खाद भी नहीं मिल रही है। आपको ये खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।